इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेंगे आशीष नेहरा, 1 नवंबर को खेलेंगे आखिरी मैच। टीम इंडिया के सीनियर बॉलर आशीष नेहरा ने प्रोफेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 1 नवंबर को होने वाला सीरीज का पहला T20 मैच उनके करियर का आखिरी मैच होगा। इस बारे में उन्होंने टीम के कप्तान विराट कोहली और टीम के हेड कोच रवि शास्त्री को बता दिया है। हाल ही में की थी टीम में वापसी। आशीष नेहरा को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया था। इस दौरान 8 महीने बाद उनकी टीम में वापसी हुई थी। इस सीरीज के लिए टीम में चुने जाने से पहले उन्होंने अपना आखिरी T20 मैच इस साल फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। घरेलू मैदान पर खेलेंगे आखिरी मैच। 1 नवंबर को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में होने वाला T20 मैच नेहरा के इंटरनेशनल करियर का आखिरी प्रोफेशनल मैच होगा। वे अपने घरेलू मैदान पर अपने करियर का आखिरी मैच खेलना चाहते हैं। 38 साल के नेहरा का सिलेक्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो रही T20 सीरीज के लिए भी भारतीय स्क्वाड में हुआ, लेकिन शुरुआती दो मैचों में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। BCCI के सीनियर ऑफिशियल के मुताबिक नेहरा ने इस बारे में टीम के हेड कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली को भी बता दिया है। उनका कहना है, हाँ, आशीष ने रवि और विराट को बता दिया है कि वे 1 नवंबर को दिल्ली में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले T20 मैच के बाद खेलना नहीं चाहते। उनके मुताबिक अलविदा कहने का यही सही वक्त है। खबरों के मुताबिक नेहरा ने टीम मैनेजमेंट को कह दिया है कि भविष्य की तैयारियों के मद्देनजर जूनियर प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए। ये भी माना जा रहा है कि नेहरा IPL का अगला सीजन भी नहीं खेलेंगे। 1999 में किया था डेब्यू। आशीष नेहरा ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 1999 में मो अजहरुद्दीन की कप्तानी में पाकिस्तान के खिलाफ हुए टेस्ट मैच को खेलते हुए किया था। अपने करियर में उन्होंने 17 टेस्ट, 120 वनडे और 26 T20 मैच खेले हैं। उनके नाम पर टेस्ट में 44, वनडे में 157 और T20 में 34 विकेट दर्ज हैं।